Hello dear students, welcome back. So today I am going to cover the topic antennas in mobile communication. So आपको जैसे पता ही है कि एंटीना का काम क्या होता है कि वो वायरलेस होता है जनरली. ओके, उसमें हम कोई भी सिग्नल आपको अगर रिसीव करनी है तो वो बिकॉज क्योंकि एंटीनाज लगे हुए होते हैं तो आप इजी से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं थ्रू द एंटीना. ओके, वी डू नॉट नीड एनी मीडियम. इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये जो होता है ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम एंटीना के थ्रू अपना काम कर सकते हैं. ओके, और इसमें एंटीना जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करता है जिसके थ्रू फ्रॉम स्पेस और टू स्पेस तक मतलब वायर और कोएक्सल केबल के थ्रू आप जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं. तो ये तो डेफिनेशन हो गया एंटीना की. ओके, तो एंटीना इज अ डिवाइस विच कैन रिसीव एंड रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक रिसीव और रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ एंटीना होते हैं. आइसोट्रॉपिक एंटीना, सिंपल डाइपोल एंटीना, डायरेक्टेड एंटीना, स्पेक्ट्राइज एंटीना और डाइवर्सिटी एंटीना. तो फर्स्ट हम देखेंगे आइसोट्रॉपिक एंटीना क्या होता है. आइसोट्रॉपिक एंटीना इज अ थ्योरेटिकल रेफरेंस एंटीना जिसको हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं. बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो इसकी रेडिएटिंग पावर होती है वो इक्वल होती है हर डायरेक्शन में. मतलब मान लीजिए कि ये आपका एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है तो ये एक स्फेरिकल डायमीटर में इसका जो एंटीना का रेंज होता है वो एक स्फेरिकल वो बनाता है, सर्कल की तरह बनाता है जिसका रेंज, जो कि इसमें इसका जो पावर होता है वो इक्वली होता है हर एक डायरेक्शन में, इक्वल पोजिशन में डिवाइडेड होता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक एंटीना कहते हैं. द रेडिएशन पैटर्न इज सिमेट्रिकल इन ऑल द डायरेक्शंस. रेडिएशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कनेक्टिंग वायर्ड सिस्टम विद सैटेलाइट फॉर रेडियो ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक रेडिएशन. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल डाइपोल एंटीना क्या होता है. सिंपल डाइपोल एंटीना, बिकॉज आइसोट्रॉपिक एंटीना जो होता है वो रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक होता है, आइडियलिस्टिक रेडिएटर होता है. बट चूंकि कोई भी एंटीना इतना आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता जनरली. ओके, मतलब इक्वल डिस्टेंस में कोई भी एंटीना रेडिएट करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो इसमें क्या होता है कि जो रियल एंटीनाज जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि हर एक डायरेक्शन में सेम रेडिएशन नहीं करते. उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो सेम नहीं हो सकती हर एक डायरेक्शन में. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल डायपोल एंटीना होता है जो कि इसमें लेंथ ऑफ एंटीना इक्वल टू वेवलेंथ होता है. ओके, सिंपलेस्ट रियल एंटीना इज अ थिन सेंटर फेड डायपोल ऑल्सो कॉल्ड हर्टिजन डायपोल एंटीना. तो इसमें ये हर्टिजन डायपोल एंटीना है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये इसमें दो कोलिनियर कंडक्टर्स लगे होते हैं इक्वल लेंथ के और जिनके बीच में एक गैप होता है छोटा सा जो कि एक स्मॉल गैप के थ्रू डिवाइडेड होते हैं दोनों कंडक्टर्स. और द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज नॉट आर्बिट्री. और ये इसकी जो लेंथ होती है इस पूरे एंटीना की वो वेवलेंथ की हाफ होती है, मतलब लैम्डा बाई टू होती है. ओके, और अगर कोई एंटीना जो कि कार के रूफ में हम माउंट करना चाहें तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लैम्डा बाई फोर होती है. इसको हम मैक्रोनी एंटीना भी कहते हैं. ये दोनों सिंपल टाइप के ही एंटीना है. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है सिंपल डाइपोल में ही एक और एंटीना आता है जिसे हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी कहते हैं. इसमें इसका जो रेडिएशन होता है वो इस तरीके से होता है कि ये किसी भी प्लेन, एक प्लेन में जैसे कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शंस होते हैं तो इसमें ये किसी एक प्लेन में आप उसको लगाते हैं तो जैसे कि एक्स वाई प्लेन में ये लगा होता है अगर तो यहाँ पर ये एट का फॉर्मेशन बनाता है. जैसे हम एट लिखते हैं ना उसी तरह का फॉर्मेशन ये बनाता है एक्स वाई प्लेन में या जेड वाई प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में. तो ये हमेशा एट का फॉर्मेशन बनाएगा अगर आप साइड व्यू से देखेंगे. और अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ये यहाँ पर सेंटर में एंटीना है और ये इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सर्कल की तरह बनाता है ये अपना.
ओके, तो ये सिंपल डाइपोल एंटीना होता है. और दिस टाइप ऑफ एंटीना कैन ओनली ओवरकम एनवायरमेंटल चैलेंजेस बाय बूस्टिंग द पावर लेवल ऑफ द एंटीना. अब एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या होते हैं कि माउंटेन आ जाता है, वैली आ जाता है, बिल्डिंग्स आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो एंटीना की जो रेंज होती है वो कहीं ना कहीं फेड हो जाती है, सिग्नल्स मतलब फेड हो जाते हैं. तो उसमें उस उनके कंडीशंस में क्या होता है कि हम इस टाइप के एंटीनास का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट होता है आपका थर्ड जो होता है वो डायरेक्शनल एंटीना होता है. डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है, दीज आर द एंटीना हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर रिसीविंग द सिग्नल. मीन्स इसमें जो एंटीना लगा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होता है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका जो रिसेप्शन होगा वो ज़्यादा होगा और बाकी दूसरी तरफ कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक्स वाई प्लेन में लेकर के चलें तो सपोज कि ये आपका एंटीना लगा है और इसका रेडिएशन जो है इस तरफ ज़्यादा है और इसको हम बेसिकली मेन लोब कहते हैं. ये जिस तरफ रेडिएशन ज़्यादा होता है उसको हम मेन लोब कहते हैं और बाकी पीछे जो होते हैं वो छोटे छोटे बैक लोब्स होते हैं. ठीक है, उनका रेडिएशन पावर कम होता है. और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइड व्यू से एक्स वाई जेड वाई प्लेन में, तो ये आपको ऐसा दिखेगा. और टॉप व्यू से एक्स जेड प्लेन में ये आपको ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं कि आप कौन से व्यू से देख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आप देख ही सकते हैं फिगर में. नेक्स्ट जो एंटीना है फोर्थ नंबर आपका वो है सेक्टराइज एंटीना. सेक्टराइज एंटीना क्या होता है, ये भी बेसिकली ए टाइप ऑफ डायरेक्शनल एंटीना आप कह सकते हैं. बट इसमें क्या होता है कि आप एंटीना को आप अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हो, तो वो आप थ्री सेक्टर कह सकते हैं या सिक्स सेक्टर कह सकते हैं. आप इन दोनों में से किसी में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं सेल को. ठीक है, तो ए सेल कैन बी सेक्टराइज इन टू फॉर एग्जाम्पल थ्री और सिक्स सेक्टर्स. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एंटीना लगा है और इसको हमने थ्री सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो रेंज होगी इक्वली सारे तरफ बराबर होगी. ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे है तो इसका सेक्टर ये सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया. और जो ये एंटीना आता है इसको हमने सिक्स सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये सारी तरफ इसका जो रेडिएशन है वो इक्वल होगा सिक्स सेक्टर्स में डिवाइड करने के बाद. ठीक है, तो ये इसके रेडिएशन पैटर्न्स है. नेक्स्ट जो एंटीना है वो आपका डाइवर्सिटी एंटीना है. डाइवर्सिटी एंटीना में क्या होता है कि ये बेसिकली ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा का ग्रुप आप बना सकते हैं, ऐसा एंटीना उसको हम डाइवर्सिटी एंटीना कहते हैं. मतलब हम एंटीनास का ही ग्रुप बना लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा आप लगा सकते हैं किसी एक प्लेन में. आप दो या दो से ज़्यादा एंटीना का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम डाइवर्सिटी एंटीना कहते हैं. तो इससे क्या होता है कि ये आपका इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल और रिसीव करने के बाद जो लार्जेस्ट आउटपुट आता है. मतलब अगर मैंने दो एंटीना लगाया है उसका अगर लार्जेस्ट आउटपुट आएगा तो मैं उसको कंज्यूम कर लूँगी, या फिर अगर मैंने कोई तीन एंटीना लगा दी अगर उसका आउटपुट लार्जेस्ट आएगा, या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन बना के मैंने लगा दिया दो अलग अलग टाइप के एंटीना का, तो उसमें जिसका भी आउटपुट लार्जेस्ट आता है वो हम उसको यूज़ करते हैं अपने एंटीना के लिए. तो ये होता है डाइवर्सिटी एंटीना. तो होप आपको ये एंटीनास का कंसेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.